नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि अब सैलरी बढ़ाने वाले नियमों में किया जाएगा बदलाव, तुरंत देखें जानकारी। तो दोस्तों, सैलरी बढ़ाने वाले जो नियम हैं उनके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की बात करें तो जुलाई 2016 में लोगों को सहायता देने का इरादा कर लिया था। संसद में एक ऐलान के दौरान देखा जाए तो उन्होंने बताया था कि अब वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों के बारे में सोचना अहम होता है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए अब नया वेतन आयोग नहीं लेकर आने वाली सरकार। इस प्रकार यह हो रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ोतरी अहम रहेगी। सूत्रों की माने तो सेवंथ पे कमीशन को लेकर अगला वेतन आयोग नहीं आने वाला। जानकारी के अनुसार सरकार इस दिशा में काम करने जा रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनधारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने का कार्य होने जा रहा है जिसमें 50% से ज़्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक वृद्धि होना अहम हो जाएगा। दोस्तों, इस व्यवस्था को ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम के नाम से बुलाया जा सकता है। वहीं कर्मचारियों का भी मानना है कि मौजूदा महंगाई भत्ते को देखने के साथ वेतन वृद्धि के लिए साल 2016 से चली आने वाली इसके लिए गुजारा करना मुश्किल होने जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से अंतिम फैसला आने तक इस मामले में प्रतीक्षा करनी होगी। पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि जानकारी मिली है कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारी का फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर में इजाफा नहीं होने वाला। सरकार फिलहाल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।